राजेश्वर मंदिर में डीसीपी सिटी आगरा ने किए दर्शन, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। आपको बता दें कि आगरा के राजेश्वर महादेव मंदिर में महादेव के दर्शनों के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ देखी गई। महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी भारी से कांवड़ भी गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। ये सावन माह को दृष्टिगत रखते हुए आज प्रथम सोमवार को यहाँ राजराजेश्वर मंदिर अंतर्गत थाना सदर बाजार में मेला लगता है, और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं मेला भी और सभी शिवालयों के दर्शन भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्रॉपर हमारी पुलिस फोर्स जो है मौजूद है, और कंट्रोल रूम यहाँ स्थापित करके सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय समाचार नहीं है। इसी तरह बाकी सभी शिव मंदिरों पर शहर के और जो कांवड़ मार्ग भी है उन पर भी पुलिस फोर्स प्रॉपर तैनात है, और बहुत सकुशल ये जो प्रथम सोमवार है अभी तक संपन्न हो रहा है। आगे भी इसको हम प्रॉपर संपन्न कराएंगे। सर, कांवड़ियों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? क्या रूट वगैरह डाइवर्जन किए गए हैं आज के? देखिए, पूरे जनपद में बेसिकली डाइवर्जन स्कीम जो है ट्रैफिक की लागू है। कांवड़ियों के लिए भी इसी तरह से जो उनके मार्ग हैं उन पर डाइवर्जन लगा हुआ है। उनके अलग अलग कैंप लगे हुए हैं उनके विश्राम करने के लिए, और हर जगह इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। भोले बाबा का मंदिर बहुत ही अच्छा है, इसमें सब इच्छा पूर्ति होती है। जो भी यहाँ पे अच्छे मन से आता है उसकी सबकी इच्छा पूरी होती है। हमारा घर पास में हम बहुत सालों से आते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। जो भी इस मन्नत से आता है उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। सावन के महीने का इंतजार बहुत रहता है हमको, और ऐसा लगता है जैसे सालों से इंतजार अब पूरा हो जाता है सावन के महीने में। हमारा बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में भोले बाबा के साथ। मैं प्रवीण पंडित, राजबुचुंगी व्यापार मंडल अध्यक्ष और मेला कमेटी का सचिव। जी, सावन का प्रथम सोमवार है, राजेश्वर महादेव का मेला है, और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या कुछ कहेंगे आप? अब कहना क्या है, आप सब चीज़ जानते हैं। सावन के पहला सोमवार राजेश्वर मंदिर के कम से कम लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। सर्वप्रथम सभी लोगों को मैं राजेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी को श्रद्धालुओं को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। यहां पर जो भी श्रद्धालु यहां पर आता है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे भोले बाबा की यहां पर कृपा है, असीम अनुकंपा उनकी बनी रहती है। जो भी श्रद्धा कुछ भी मांगता है उसकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक कम से कम 50,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और शाम तक कम से कम लाखों की संख्या में लोग अभी आने वाले हैं। कितने बजे से कतार लगना शुरू हो गई भक्तों की? रात के 1 बजे आरती हुई थी। आरती होने के बाद हमने द्वार खोल दिए थे, उसके बाद लाइन टूट नहीं रही है। लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और बहुत ही दूर दूर से लोग बाग यहाँ आते हैं। राजेश्वर मंदिर की वो मान्यता है कि मैं आपको बता ही सकता हूँ, इसमें 3 खासियतें हैं। ये दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह सफ़ेद होता है, दोपहर में नीला होता है, और शाम को पीला होता है। इसकी यह खासियत है, शाम को गुलाबी होता है। तो राजेश्वर मंदिर हमारा बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है, जिसकी शोभा यात्रा बता नहीं सकता हूँ। इसकी सारी व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, अधिकारियों की व्यवस्था है, और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे रात से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। कितने वॉलंटियर यहाँ पर लगाए गए हैं मंदिर की तरफ से? सारी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से ही लगी हुई है, और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा क्रांति और महिला कमेटी के सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। किसी प्रकार की किसी आज तक कोई समस्या नहीं हुई है, और सभी से अनुरोध है सभी इसी प्रकार दर्शन करते रहें।